मैं सर निवेश आप सभी लोगों का एजुकेशन टीच अशोक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित परसेंटेज के अंतर्गत, आज हम आगे उससे पढ़ेंगे। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और मित्रों एक चीज की चर्चा कर देता हूँ कि एक चैनल है परम टाइम्स, PARAM परम टाइम्स, यहां पर मैं कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और यहां पर आपको बहुत जल्द मैथ के प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे UPP के हों, चाहे वो लेखपाल के हों, चाहे वीडियो के एग्जाम हों, उन सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी सॉल्व कराएंगे इस चैनल पर। यहां भी आपको कुछ पेपर सॉल्व कराएंगे और यहां पर टेस्ट भी हम सॉल्व कराने के पूरे प्रयास में हैं। तो मित्रों इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिना टाइम लिए ही, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। देखिए क्वेश्चन यह है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। दो लोगों ने भाग लिया, मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या 100 है। हमने कुल मत हमने मान लिया कितना है 100, टोटल मतों की संख्या हमने 100 मान लिया है। दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, 60% यानी 100 का 60% बोले तो 60 मत मिले हैं। अगर एक को 60 मत मिलेंगे तो दूसरे को कितना मिलेगा मित्रों 40, और कह रहा है कि उसने 1600 मतों से जीत गया। तो भाई जितना अधिक पाएगा उतने मतों से जीतेगा। तो आप ये बताइए कि दूसरे ये पहला उम्मीदवार है या दूसरा उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से जीता है, आप कहेंगे कि 20 मतों से ये जीत गया है, जबकि एक्चुअल में कितने मतों से जीता है, एक्चुअल में वह 1600 मतों से जीत गया है। कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, भाई 100 का मान ज्ञात करना है आपका, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 100 बराबर 1600 गुना 100 बटा में 20, 20 पच्चे हो जाएगा आपका 100 और 16 पच्चे 80, यानी इस पूरे चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो गई 8000। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न है, एक प्रश्न को आप देख करके ही बहुत जल्द से लगाइए। मित्रों क्वेश्चन एक आ रहा है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। भाई हमने मान लिया है कि कुल मतों की संख्या कितनी है 100, हमने टोटल मत मान लिया है कि कुल मतों की संख्या 100 है। यह पहला उम्मीदवार है, यह है आपका दूसरा उम्मीदवार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो भाई इसको अगर 40% मत मिले हैं पहले उम्मीदवार को तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 में 60। भाई 40% का मतलब है कि 100 में 40 मत इसको मिले पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 60। और यह कितने मतों से हारा है, भाई जितना कम पाया होगा उतने मतों से हारेगा, यानी 20 मतों से हार गया है, जबकि एक्चुअल में कितने मतों से हार गया है 298। तो 20 का मान 298 है, तो 100 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आप ऐसे देख लीजिए कि 20 25 कितना हो गया 100, 5 से आपने गुणा किया है तो इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 45 के 5, हाथ में बचा 4, और 5 × 10 14। यानी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 × 0 हो गया, 5 × 45 के 5, 5 × 10 14, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चुनाव में देखिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये 290 नहीं है मित्रों, ये 298 है। ठीक है, ये 298 है, माफ करना इसको, ये 298 है आपका, यहाँ पर 298 मतों से ये चुनाव को हार गया है। ठीक, तो ये 298 है, तो 20 25 100 हो गया, यहाँ भी 5 से आप गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 8 हो जाएगा 40, 5 × 9 45, 45 × 4 कितना हो जाएगा आपका 49, 9 बचा हाथ में आ गया 4, 5 × 10 = 4 = 14। ठीक है, तो यहां पर चुनाव में कुल मतों की संख्या या कुल उम्मीदवारों की संख्या 1490 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर 298 था, 290 नहीं था।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यह कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे या कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए अगर पूछ दे कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी तो जितने मत होते हैं उतने उम्मीदवार होते हैं या जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही मत होते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन रहने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आइए दोस्तों हमने मान लिया कि इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 100 थी। इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 100 थी। कर 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं, तो भाई 100 में से अगर 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डालेंगे, यहां पर आप लिख लीजिए नहीं पड़े मत, ये है आपका नहीं पड़े मत और ये हो गया आपका पड़े मत। 8% बोले तो 8 मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, तो अगर 8 लोगों ने वोट नहीं डाले तो डाला कितने वोट? 92 लोगों ने। आगे बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, लैंग्वेज समझिएगा मित्रों, यहां पर लैंग्वेज समझने की बात है, कह रहा है कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर। तो भाई अगर कुल मतों का ये 48% प्राप्त करेगा तो 100 का 48% मतलब 48 मत ये प्राप्त किया है, 48 मत ये प्राप्त किया है। यही तो बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने, ये जीतने वाला है, एक जो है वो जीतने वाला है और दूसरा जो है वो हारने वाला है, तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% यानी 48 मत प्राप्त किया है। तो भाई वोट तो टोटल कितने पड़े मत थे? 92, और 92 में से अगर 48 ये प्राप्त कर लिया तो ये कितना प्राप्त करेगा? घटा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा आपका, हो जाएगा 4, और 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो आप ये बताइए कितने मतों से हरा रहा है, टोटल कितने मतों से हराया है? 4 मतों से, जबकि एक्चुअल में कितने मतों से हरा दिया है चुनाव में? 1100 मतों से, 1100 मतों से इसने चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुनाव में कुल मत कितने थे, यानी 100 का मान आपसे ये जानना चाह रहा है। तो 100 बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं 1100 × 100/4 हो जाएगा आपका 2500। 25 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 0 0 25 × 25 5 25 × 25 2 27, यानी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? 27,050 कितनी थी? 27,050, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दो मित्रों के बीच हुए चुनाव में, देखिए मित्र नहीं है ये, उम्मीदवार होना चाहिए था, यहां पर जो होना चाहिए था ये उम्मीदवार है, कुल मिलाकर के उम्मीदवार है आप समझ लीजिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? आइए देखते हैं इस प्रश्न को। हमने मान लिया कि इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 100 थी, कुल मतों की संख्या 100 थी, तो भाई 20% मत तो अवैध घोषित हुए हैं। ये वाली लाइन पढ़िए आपकी दूसरी लाइन, 20% वोट अवैध थे। तो भाई अगर अवैध वोट, यानी दो लोगों में हम बांट देते हैं, एक अवैध वोट है और दूसरा है आपका वैध वोट। अगर 20% वोट अवैध थे यानी 20 वोट अवैध थे तो वैध कितने थे? 80। आगे बोल रहा है स्टार्टिंग लाइन आप देख सकते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। भाई वैध 80 है तो 80 का 55% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 80 = 20 × 25 = 100 × 11 × 55 = 11 × 44। यानी अगर एक उम्मीदवार को 44 मत मिले, भाई एक उम्मीदवार को, यही तो बोल रहा है कि ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है, तो अगर एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% यानी 44 मत मिले हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा? 80 में से आप 44 को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 36। कितना आएगा? 36। कह रहे कि यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो भाई अगर वोटों की कुल संख्या 7500 होने का मतलब है कि 100 का मान कितना है एक्चुअल में? 7500।
तो एक का मान अगर निकालेंगे तो आप 75 से गुणा किए इसमें, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया, 75 आ गया। कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी थी, तो भाई 36 मिला था, इसमें आप 75 से गुणा कर दिए। 75 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 36 है ये आपका, 75 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 25 सुनना हाथ में आ गया 3 आपका, 5 × 15 6 × 7 42 और 15 और 42 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 42 मिलकर के 57 हो जाएगा, 57 और 30 60 0 हाथ में आ गया 6 7 3 21 और 21 6 कितना हो गया आपका 27, यानी निकल के आ जाएगा कितना आपका 2700, यानी दूसरे उम्मीदवार को जो वैध वोट मिले हैं वो कितने मिल गए 2700, यानी मित्रों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि उम्मीदवार 180,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए यहां पर कुल मतों की संख्या दी हुई है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार अभी कुल मतों की संख्या हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया हमने। कहा तो यही रहा है कि कुल मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए, तो भाई 100 में से 10% अगर अवैध हो गए तो इसका मतलब है कि दो ही वोट होंगे, एक वैध होगा और दूसरा अवैध होगा, और 10% यानी 10 मत अगर अवैध हो गए तो वैध कितने हुए, 90। अब आगे स्टार्टिंग आप पढ़िए, कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। देखिए वैध मतों के मिल रहे हैं, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा है, तो पहले उम्मीदवार को वैध मतों का मिला है, यानी 90 का 80% आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 आपका कट गया, 9 8 72। तो भाई अगर एक उम्मीदवार को 72 वोट मिलेंगे तो दूसरे को 90 में से कितना मिल जाएगा, घटाएंगे हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो गया 18 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल वोटों की संख्या, देखिए कुल वोटों की संख्या आपको दी गई है और कह रहा है कुल वोटों में से 10% अवैध हो गए, तो पहले हमने निकाल दिया है, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है यानी 72 वोट मिला है, तो ये पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। कुल वोटों की संख्या आपकी दे रखी है, यानी 100 का मान आपको दे रखा है, 100 का मान कितना दिया है भाई, 1,80,000, 1,80,000। तो 2 0 से यहां पर 2 0 काट देंगे तो हो जाएगा आपका, मतलब एक यूनिट 100 बराबर अगर 1,80,000 के, तो एक बराबर हो जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा 1,800, यानी एक यूनिट का मान आपका 1,800 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, इसमें 1,800 से आप गुणा कर दीजिए 1,800 से, तो 1,800 से गुणा करेंगे तो 1,800 हो जाएगा आपका 324, 2 0 है, 2 0 यहां पर लगा दीजिए, यानी दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 32,400 मत मिलेंगे, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 32,400 मत मिलेंगे। आगे अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, केवल दो उम्मीदवार थे, मतलब यहां पर दो ही उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 100। भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, यानी दो ही प्रकार के मत हैं, पहला है नहीं पड़े मत और दूसरा है मित्रों पड़े मत। तो 10% यानी 10 मत अगर नहीं पड़े हैं तो पड़े कितने हैं, 90 मत। आगे कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, यानी 60 मतदाताओं ने मत ही नहीं दिया, वोटिंग ही नहीं किया। तो हमने ये मान लिया है भाई, देखिए यहां पर एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन यहां पर इसने एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि 60 मतदाताओं ने भी मत दिया है, खाली नहीं छोड़ा है, इसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे आवश्यकता के अनुसार। हमने मान लिया है कि टोटल पड़े मत कितने हैं, टोटल वैध मत कितने हैं, 60 ही है,
लेकिन यहां पर ध्यान देना कि 60 को हमने यहां पर 60 को यहां पर हमने इंक्लूड किया है। अभी आगे पढ़िए, केवल दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। दो लोग थे, एक विजेता था मतलब विजेता था और एक हारा हुआ था, एक हारा था। कह रहा कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची की यानी 100 मत टोटल थे तो टोटल का 47% यानी 47 मत इसको मिला है। तो भाई 90 में से अगर 47 इसको मिल गया है तो हारे वाले को कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 43 वोट। कितना मिलेगा? 43 वोट। तथा वह अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले हैं, यानी 308 मत, जितना अधिक मिलेगा उतने मत उसे वो जीतेगा। तो कितना अधिक मिला है इसको? आप कहेंगे कि 4 वोट इसको अधिक मिला है, यानी 4 वोटों से ये जीता है, जबकि एक्चुअल में कितने अधिक मिले हैं? 308। अब मेरी बात एक ध्यान समझिएगा, ये 308 अधिक तब पा रहा है मित्रों जब हमने 60 वोटों को इस वैध मतों में इंक्लूड कर दिया है। भाई जो पड़े मत है, वैध नहीं पड़े मत है, इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन 60 जो यहां पर देख लीजिए कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ा था, यानी 60 लोगों ने तो वोटिंग की ही नहीं थी, तो फिर 60 को हम क्या करेंगे? यहां से घटा देंगे, 60 को यहां से घटा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 8 और यहां पर आपका हो जाएगा कितना, 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 2। यानी एक्चुअल में 4 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? देखिए एक्चुअल में 4 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 248। आपसे पूछा था कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी 100 का मान आपसे पूछा था। 100 का मान यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, 248 गुना 100 बटा में 4, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 गुना 8 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6200। यानी मतदाता सूची में टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई? 6200। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार आप समझ लीजिएगा कि हमने किया क्या है इसमें। यहां पर बोला था कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया है, तो भाई 90 में हमने ये मान लिया है कि 60 मतदाताओं ने भी वोटिंग की है, इसको हम बाद में घटाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार। अब जो विजेता उम्मीदवार है उसको मतदाता सूची का यानी 100 का 47% यानी 47 वोट मिला, तो अगर 90 में से 47 इसको मिल गया तो हारने वाले को 43 मिल जाएगा। कितने वोटों से जीतेगा? 4 वोटों से, जबकि एक्चुअल में अपने प्रतिद्वंदी से वो 308 मतों से जीत रहा है। लेकिन ये 308 वोटों से तब जीत रहा है जब 60 वोट भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो 60 वोट तो पड़े नहीं थे इसलिए हमने 60 को घटा दिया है। तो 4 का मान कितना आ गया? 248। 100 का मान, 100 वोट हमने मान रखा था टोटल, निकल के आ जाएगा आपका 6200। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं वो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मित्रों आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि सभी बच्चों को जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी मदद मिल सके। और आप लोग परम टाइम्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर हम कंप्लीट रीजनिंग की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।